उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, जितेन प्रसाद, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े सभी दिग्गज, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आप सबका नमस्कार। मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत दुनिया का आठवां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है, और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन, और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। व्हेन द चिप्स आर डाउन, यू कैन बेट ऑन इंडिया। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायडोट से जरूर पड़ता है, और आप जानते ही हैं डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है, भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भलीभांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है, और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है,
इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चीप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है, हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज भारत चीप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चीप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में आज ये छोटी सी चीप बड़े बड़े काम आ रही है। कोरोना जैसे महासंकट में जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का UPI हो, रुपे कार्ड हो, डीजी लॉकर से लेकर डीजी यात्रा तक, अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया, और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए
बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी राज्य इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं और आज कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम भी एक अद्भुत योजना है। इसके तहत फ्रंट एंड फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। यानी भारत में 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम हो रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑप्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ऑयल डिप्लोमेसी का नाम सुना है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसी साल भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुन गया है। हम क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी बड़े पार्टनर हैं और हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर समेत कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इस सेक्टर में अमेरिका के साथ भी भारत अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी जानते हैं। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर स्टडी करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव,
और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें एफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे, आज हम दुनिया के नंबर टू प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। दो साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था, आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाएगा और उनके फिनिश गुड्स भी बनाएगा। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन देता है। आप लोगों ने भी डिजाइनिंग से जुड़ा एक मेटाफर जरूर सुना होगा। ये मेटाफर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स को बताया जाता है इस फ्लो को अवॉइड करना जरूरी है। मकसद यही होता है कि सिस्टम किसी एक ही कंपोनेंट पर निर्भर न रहे। ये सबक सिर्फ डिजाइनिंग तक की सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी विशेष रूप से सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ही लागू होता है। कोविड हो, युद्ध हो, बीते समय में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसको सप्लाई चेन डिसरप्शन से नुकसान न हुआ हो। इसलिए सप्लाई चेन का रेजिलियंस बहुत ही जरूरी है और इसलिए मुझे खुशी है कि भारत अलग अलग सेक्टर्स में रेजिलियंस पैदा करने के लिए मिशन का एक अहम हिस्सा है। और हमें एक और बात याद रखनी है, टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती है तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देह नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। आप भी भारत के इन प्रयासों को मजबूत करेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणा